नमस्कार, मैं राजीव व्यास, वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रदूषण मामले फिर एक बार, भारत दुनिया में अव्वल, दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी दिल्ली। सावली विधायक केतन नामदार की भाजपा से खुली नाराजगी, मीटिंग के बाद वापस लिया इस्तीफा। वडोदरा में बनी कालीन जैसी सड़क, 44 लाख रुपयों की कालीन जनता की जेब पर भारी। भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी होने की खबर सामने आने के बाद भारत का प्रदूषण फिर एक बार दुनिया भर में चर्चा बन गया है। भारत 2023 में तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश रहा। 134 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली सबसे खराब हवा वाली राजधानी रही। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर है, जबकि 2022 में इस लिस्ट में बेगूसराय का नाम भी नहीं था। 2022 में प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.33 अरब यानी 96% लोग ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज्यादा है। वहीं देश के 66% शहरों में एनुअल PM 2.5 का स्तर 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रहा। रिपोर्ट में PM 2.5 कणों के आधार पर देशों, राजधानियों तथा शहरों की रैंकिंग की गई है। ये एक तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये बेहद छोटे कण होते हैं जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। भारत में पिछले साल PM 2.5 का औसत स्तर 1 क्यूबिक मीटर में 54.4 माइक्रोग्राम रहा। यह WHO के पैमाने से 10 गुना ज्यादा था। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बीच गुजरात के वडोदरा की सावली विधानसभा के भाजपा विधायक के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रंजनबेन भट्ट को तीसरी बार लोकसभा टिकट दी है, जिसके बाद वडोदरा भाजपा में लगातार भूकंप की स्थिति देखने मिल रही है। रंजनबेन भट्ट को टिकट देने के दूसरे ही दिन भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या ने अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसी बीच आज सुबह सावली के विधायक केतन इनामदार ने विधानसभा के अध्यक्ष शंकर सिंह चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रही नाराजगी खुलकर सामने आई है। इससे पहले 2020 में भी सावली के विधायक केतन इनामदार इस्तीफा का पॉलिटिकल ड्रामा कर चुके हैं। ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए इस्तीफा दिया होने की बात भी काफी चर्चा में है। केतन इनामदार के इस्तीफे की खबर फैलते ही पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने केतन इनामदार के साथ वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल बैठक के बाद पूर्व मंत्री हकुभा जडेजा सावली पहुंचे और उसके बाद केतन इनामदार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा अध्यक्ष ने गांधीनगर बुलाया है, जिसके चलते वे गांधीनगर जाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना इस्तीफा कंटिन्यू रखने की बात कही है। वहीं इस मामले वडोदरा की लोकसभा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो केतन इनामदार को मनाने की कोशिश करेंगे। आप मीडिया ना माध्यम थी मने जानकारी मड़ी छे के केतन भाई राजीनामु मुक्यु छे। मने ध्यान नथी के कया कारण सर केतन भाई राजीनामु मुक्यु होय। हूँ एनो प्रयत्न करी रही छु के केतन भाई नी साथे टेलिफोनिक भी वात थाय, पण मारो संपर्क थई नथी सर। હું મીડિયામાં જોઈ રહી છું કે કેતનભાઈ પોતે સ્પષ્ટ બોલી રહ્યા છે, એવી નારાજગી મારા માટે છે એવું તો કેતનભાઈના ઇન્ટરવ્યુમાં પણ મેં જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી, અને આપ મીડિયાએ પણ પોતે કવર કર્યું છે। ખાસ તો શેના કારણે નારાજગી છે એ હું જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશ, એની સાથે વાત કરીશ। કેતનભાઈ ખૂબ જ સક્ષમ ધારાસભ્ય છે, પ્રજાની વચ્ચે રહેલા છે, પણ સંપર્ક કરીને હું ચોક્કસ કેતનભાઈની નારાજગી શું છે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ।
नाराज केतन इनामदार करीब 2 बजे सीआर पाटिल के बंगले पर पहुंचे और बंद दरवाजे में हुई बैठक के बाद 3:15 बजे केतन इनामदार ने मीडिया समक्ष आकर कहा कि वो इस्तीफा वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। पाटिल के साथ चर्चा करने के बाद उन्हें काफी संतोष हुआ है और पार्टी ने उनके प्रश्नों को पूर्ण करने का विश्वास जताया है। રાજીનામું મોકલ્યા પછી મારું એકદમ ક્લિયર કટ હતું કે ભાઈ વાંધો નહીં, હવે રાજીનામું આપવું જ છે અને મારી અંદરની વાત જયારે મારા આ રાજીનામાની જાણ મારા પ્રદેશના મોવડીઓ અને મારા સરકારમાં માંડીને તમામ મારા પ્રભારી મંત્રીઓને અને અમારા આગેવાનોને થઈ ત્યારે એમને મને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ અંતરના આત્માના અવાજની વાત એટલે શું છે, એટલે મેં એમની સાથે બેસીને બધી ચર્ચા અત્યારે માન્ય આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ, પ્રભારી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ અને એમની સાથે બેસીને ચર્ચા કરી અને મેં મારી બધી જ વાત એમની સાથે કરી। અંદરથી જે પણ મારો ડૂમો હતો, મારી વેદના હતી, મેં અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સાહેબને અને અમારા પ્રભારી મંત્રીને કહી। રત્નાકરજી અમારા સંગઠન મહામંત્રી એ પણ મને પોઝિટિવલી મને એમને આ વસ્તુનો જવાબ આપ્યો અને એમને તુરંત કહ્યું કે ભાઈ આ જે પણ છે એ તમારા એનું નિરાકરણ લાવીને તમને સંતોષ થાય, પ્રત્યેક કાર્યકર્તા અને પાર્ટીના સંતોષ થાય એવું જ સંગઠન દ્વારા અને સરકાર દ્વારા કામ થવામાં કરવામાં આવતું હતું, જે પણ નાની મોટી કંઈક હશે તો સાથે બેસીને જોઈ લઈશું। આ વાત गुजरात के वडोदरा में लाखों रुपए खर्च कर तैयार की गई उंडेरा से करोड़िया तक की सड़क कालीन की तरह हाथ में आ रही है, इसे भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या नाम देंगे। गुजरात के वडोदरा शहर के विकास पर खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सवाल उठा चुके हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। वडोदरा का विकास क्यों नहीं हो रहा है, उसके अलग अलग नमूने हमेशा सामने आते ही रहते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही नमूना सामने आया है जहां विकास कार्य के नाम पर 44 लाख रुपये खर्च तो हुए हैं लेकिन उन 44 लाख रुपये के अवैज में जनता को क्या मिला है आपको दिखाती हूँ। जिस सड़क पर मैं खड़ी हूँ वडोदरा के उंडेरा सर्कल से करोड़िया जाने वाली सड़क है, वार्ड नंबर 9 में आती है और 44 लाख रुपए के खर्च से ये सड़क बनाई गई है। कुछ दिन ही इस सड़क निर्माण को हुए हैं, जनता को सुविधा देने के नाम पर यह सड़क बनाई तो गई है लेकिन स्थानीय निवासी इस पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप देखिए सड़क के किनारे यहाँ जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है, दीवार तक रोलर नहीं घुमाया गया है और सिर्फ यहाँ पता चल रहा है कि सिर्फ डामर लगा दिया गया है और सड़क बनाने के नाम पर यहाँ जनता के साथ खुला धोखा किया हुआ नज़र आ रहा है। सड़क की दोनों ओर जहाँ दीवार है वहाँ रोलर नहीं घुमाया गया है और वहीं से सड़क अभी से उधड़ने की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष शब्बीर चौहान हमारे साथ है जो यहाँ के स्थानीय निवासी भी है जो इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। शब्बीर भाई क्या दिक्कत है इस रोड के साथ? ये रोड उंडेरा से करोड़िया का मुख्य जुड़ता मार्ग है, यहाँ पे स्कूल आई हुई है तो ये काफ़ी बरसों से बना हुआ ही नहीं था ये रोड। जब बनाया हो तो हमको खुशी हुई कि रोड बन गया इतने सालों बाद भी, पर जो हमने देखा कि पूरा रोड है ना, नीचे हाथ डालूँ ना तो पूरा रोड है ना हाथ में आ जाए। नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी लाए है लगता है फोल्डिंग करने का, और इनको जो दूसरी जगह पर खाद मुहूर्त करना हो ना तो ये फोल्डिंग करके खाली बिछा ही देने का, इन्हें वहाँ पे ही रोड बन गया। इन्हें ये कहीं ना कहीं है ना भ्रष्टाचारी लग रहा है कि अभी थोड़े दिनों में आए ले मुख्यमंत्री और सी आर पाटिल साहब भी टकोर कर गए यहाँ के नेताओं और अधिकारियों को कि बड़ौदा क्यों पीछे रह गया है, पर बड़ौदा ऐसे न ऐसे भ्रष्टाचार करने में और उनका ही भला करने में बड़ौदा की प्रजा को अन्याय हो रहा है, पर हम यूथ कांग्रेस द्वारा कहना चाहते हैं ये भ्रष्टाचारी और अधिकारियों को कि जब तक यूथ कांग्रेस है तो बड़ौदा में कोई भ्रष्टाचार और
कोई भी मिली भगत नहीं चलने देगी। अब से हम कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो हम उसको बड़ौदा की प्रजा के सामने आगे हम लाएंगे। क्या दिक्कत क्या है सड़क के साथ? ये देख सकते हो कि कैसा रोड बनाया हुआ है। देखो फोल्डिंग रोड है, फोल्डिंग 44 लाख का रोड है ये तो। हमारे प्रजा के भी पैसे है, मतलब पता नहीं किसकी कटकी खाई हुई है ये लोगों ने, वही नहीं पता। और काउंसिलर कल आके मेरे को चैलेंज ठोक रहे कि यहाँ से तो उखड़ जाएगा, बीच में उखाड़ो, तो उनको कल भी मैंने चैलेंज फेंकी और बीच में से ही मैंने उखाड़ के दिया है। इतनी चैलेंज हम स्वीकारने तैयार है, तुम कोई भी दो यूथ कांग्रेस चैलेंज को सक्सेस कर ही देगा उसको भी। कौन कौन काउंसिलर यहाँ आया था? मीनाबा चौहान आए, वार्ड नंबर 8 के। आप देखिए ये जो रोड है, सड़क है, आप देखिए पूरी की पूरी ऐसी लग रही है कि जैसे कोई कालीन बिछा दी है और कालीन उखाड़ के आप अपने घर ले जा सकते हैं। पूरा सड़क यहाँ कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है ज़मीन के साथ, पूरी की पूरी सड़क ऐसी है कि बस आप यहाँ जैसा शब्बीर भाई कह रहे हैं कि फोल्डिंग करके अन्य जगह पर अगर बिछा देनी है तो पूरी कालीन बिछा सकते हैं। इस तरह का ये रोड बनाया गया है और गर्मियाँ अब शुरू हो गई है, ऐसे में जब गर्मी में डामर पिघलेगा तब इस सड़क की हालत क्या होगी ये सोचना भी शायद मुश्किल है। ना सिर्फ कालीन, यहाँ देखिए ये जो डामर है वो हाथ से टूट रहा है, उतना कमज़ोर है। ऐसे में ये वाहनों का वज़न कैसे झेलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। और सालों की मांग के बाद जब 44 लाख रुपए के खर्च से ये सड़क का निर्माण हुआ है तब स्थानीय निवासी काफ़ी खुश थे कि चलिए अब हमें यहाँ से आवाजाही में सुविधा होगी, लेकिन सुविधा के नाम पर ये दिया गया है। पीडी कंस्ट्रक्शन ने ये सड़क बनाई गई है और सड़क निर्माण की जो धांधली है वो साफ साफ नज़र आ रही है। जब भी कोई सड़क का निर्माण होता है उसके नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, सड़क निर्माण से पहले हर पैमाना जो तय किया गया है उसका पालन करना होता है। यहाँ बनी बनाई सड़क नहीं थी, यहाँ मिट्टी थी, ऐसे में यहाँ पानी डालकर उसे एक साथ सरफेस करके उसको भरना चाहिए था और उसके बाद ये सड़क बनानी चाहिए थी, लेकिन सड़क बनाने के नियमों की धज्जियाँ यहाँ सरेआम उड़ाई गई है। और सड़क निर्माण तो क्या किया है लेकिन काफ़ी जगह छोड़ दी गई है। शब्बीर भाई, ये दीवार के पास नहीं सड़क बनाई गई है, उस पर क्या कहना है आपका? जैसे कि दीवाल के पास नहीं बनाई गई तो कल काउंसिलर ऐसा बोला कि दीवाल है ना, जब रोलर फिरता है ना तो दीवाल हल रही है, पर ये हलती तो नहीं है क्योंकि आगे देखो तो दोनों कोर्ट के जॉइंट है रोड। तो नहीं कहने का ये लोगों मिली भगत है, कटकी खाने का खाली इरादा है तो बहाने। पर हम आज जाएंगे कमिश्नर को और उन कमिश्नर को ही बोलेंगे कि विजिलेंस तपास करने में आवे, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे और अपने माननीय सम्मानीय वड़ा प्रधान है उनको भी पत्र लिख के ये जानकारी कहेंगे कि बड़ौदा में बहुत सारे में भ्रष्टाचारी हो रहा है। जब यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से इस मामले सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस पर लीपापोती की कोशिश की है कि ये जो दीवार है वो खस्ता हाल है, दरअसल ये एक मंदिर की दीवार है और काफ़ी मजबूत लग रही है। ये तर्क दिया गया है कि दीवार के साइड में रोलर घुमाना आसान नहीं होता है, लेकिन जब सड़कें बनती हैं तब डिवाइडर भी होते हैं, उसके किनारे तक सड़क बनाई जाती है और ऐसे में कॉरपोरेटर द्वारा दिया गया ये तर्क भी कहीं ना कहीं गले उतर नहीं रहा है। 44 लाख रुपए के लागत से जब सड़क निर्माण होता है, जब कोई विकास कार्य होता है जनता को सुविधा देने के नाम पर, और वो अगर ऐसा काम होता है तब जनता को ये लगना बिल्कुल लाजमी है कि उनके खर्च का पैसा, उनके जेब से गया हुआ उनके टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा के करजन में आम आदमी पार्टी के भरूच लोकसभा प्रत्याशी चैतर वसावा ने कार्यकर्ताओं संग बैठक का आयोजन किया। गुजरात में भरूच लोकसभा प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन ने चैतर वसावा को मैदान में उतारा है, जिसके तहत चैतर वसावा ने करजन में वडोदरा, करजन, शिनोर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया।
चैतर बसावा पर पिछले दिनों वन अधिकारी को धमकाने के लगे आरोप के चलते उन्हें नर्मदा और भरूच में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में इस मामले चैतर बसावा ने हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी दिखाई है। जामीन तो मड़ी गया छे, पण शरत एवी आपवामां आवी छे के नर्मदा जिल्ला मां प्रवेश बंदी छे अने भरूच जिल्ला मां हुं रोकाई नथी शकतो त्यारे लोकसभाना उम्मेदवार होवा छतां अने स्थानिक धारासभ्य होवा छतां हुं मारा मतदाताओनी वच्चे जई नथी शकतो एने ध्याने राखीने અમે નામદાર સેશન કોર્ટમાં એ શરતો રદ કરવા માટે અરજી કરી હતી, પણ નામદાર સેશન કોર્ટે એ અરજી નામંજૂર કરી છે અને મારી જે શરતો હતી એ યથાવત રાખી છે, ત્યારે આવનારી લોકસભાને ધ્યાને રાખીને મારા મતદાતાઓની વચ્ચે જઈ શકીએ અને એ નર્મદા જિલ્લાની જે પ્રવેશબંધીની શરત દૂર થાય, ભરૂચ જિલ્લાની શરત દૂર થાય એ માટે નામદાર હાઈકોર્ટમાં અમે જઈશું। અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા અમને ન્યાય મળશે। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनीतिक गलियारों में सियासी खबरों का बाजार भी काफी गर्म है, जहां तरह तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन गुजरात में कुछ सीटों पर अब तक बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार काफी गर्म है। नवसारी बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटिंग सांसद सीआर पाटिल को रिपीट किया है, वहीं कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस अग्रणी स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल के नवसारी से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। वहीं नवसारी के कार्यकर्ताओं में भी स्काई लैब उम्मीदवार को लेकर निराशा का माहौल देखने मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस के अग्रणी नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच बैठक से टिकट मांगा था, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी के चैतर बसावा को दे दी गई है। ऐसे में मुमताज पटेल की नाराजगी दूर करने उन्हें नवसारी से टिकट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल नवसारी से हमेशा बड़ी लीड से जीतते आए हैं। पिछले तीन टर्म से सीआर पाटिल इस बैठक से जीत रहे हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए मुमताज पटेल का नाम सामने आ रहा है। वडोदरा के समा के एकता नगर के स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा के काउंसलर और कांग्रेस के नेता के बीच तूतू-मैं-मैं हो गई। वडोदरा के समा में आए एकता नगर में कई समय से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायत कार्यालय में की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस बुलवाकर स्थानीय लोगों को रोक दिया गया। तब बीजेपी के काउंसलर और कांग्रेस के नेता के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद बीजेपी काउंसलर द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। एकता नगर ना अमुक रही से जे छेल्ला 3 वर्ष थी पानी ना प्रॉब्लम थी सहन करी रहा था, ए लोको घनी जग्या रजूआत पण करी, परंतु एनु निराकरण नहीं आवता। आजे अमे एवुं नक्की कर्युं के आपणे स्थानिक कॉर्पोरेशन ना अधिकारियों ने रजूआत करवा जोईए। गई काले जारे कश्यप भाई ने फोन कर्यो तो कश्यप भाई कीधुं के आगर थी पानी रोकवामां आवेलुं छे, तमे ए रीते तमे ऊपर लेवल ने रजूआत करो। आजे जारे स्थानिको ने भेगा राखीने कॉर्पोरेशन में रजूआत करवा जता हता, ते दरमियान पोलिस नी 2-3 गाड़ियों मोकली अने जाने अमे कोई तोड़फोड़ करवा के आंतक मचा जता होय एम पोलिस मोकली आपी अने रजूआत करता रोकवामां आया। अने आ रही सोनु કેવું છે, છેલ્લા 3 વર્ષથી પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે, જ્યારે સ્થાનિક કાઉન્સિલર કહે છે મને પરમ દિવસે જાણ કરવામાં આવી અને મેં આજે એમને સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, તો અમારે એમ કેવું છે કે તમે રાજકારણને પર મૂકીને જનતાના કામ કરો। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને આટલું જ કેવું છે કે તમે ડાયરેક્ટ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરી શકો છો। જ્યારે સ્થાનિક કાઉન્સિલર ભાનજીભાઈ આવ્યા, ત્યારે ભાનજીભાઈનું કેવું છે કે તમે અહીંના રહીશ નહીં, અમે રહીશ નથી પણ અમે પ્રજાના સેવક તો છીએ ને, અમને પ્રજા દ્વારા જ બોલાવવામાં આવેલા છે। આ ભાઈના ફોન આવતા હતા, પેલા બીજા એક ભાઈ છે એમનો ફોન આવતો, વારંવાર ફોન આવતો હતો, એટલે અમે સ્થળ પર આવ્યા હતા અને એમના નિરાકરણ લાવવાની વાત અમે કરતા હતા। પરમ દિવસે સોસાયટીના પ્રમુખ અંબાલાલ કાકા, નાસિરભાઈ અંબાલાલ કાકા છે, આ અમારા આગેવાન છે સોસાયટીના રહીશો, પરમ દિવસે સાંજે મારા ખ્યાલ થી 9:30 વાગે કેવું નાસિરભાઈ મને રજૂઆત કરી ભાનજીભાઈ પાણી ઓછું આવે છે, મેં એવું કીધું એક જ દિવસ કાલે દેજો, કેમ કે મારા ઓજી વિસ્તારની અંદર કાલે જ મેં પ્રશ્ન સોલ્વ, એ લોકોનું લો પ્રેશર હતું, કાલ સવારે આખો દિવસ કદાચ મારું ફેસબુક નહીં પણ વોટ્સએપ પર હું ફેસબુક બી મૂકવાનો, તો સવારથી સાંજ સુધી 7:30 વાગે માન્ય દંડકશ્રીનો અમારો રાવપુરા વિધાનસભા કાર્યક્રમ હતો તો બી હું નહીં ગયો, એ લોકોનું કાલ પાણી મેં લેવલથી અપાઈ દીધેલું છે, લો પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હતો। આ લોકોને મેં એવું કીધું કે બીજા દિવસે એટલે આજે સવારે 6:30 વાગે 5:45 વાગે
અમારા અધિકારી આવી ગયા પાણીનો મારવા વિડીયો ભાઈ પાણીનો પ્રેશર આટલું છે તો મારું એવું માનવું છે કદાચ તમે મીડિયાવાળા અહીંથી નીકળો એ પહેલા કદાચ અહીં જેસીબી આવી જશે માને જાણ કરે હજી 48 કલાક નથી થયા એ પહેલા કોંગ્રેસના મિત્રો આઈને એમને ખબર ને સોસાયટીમાં કોઈ બોલાયા હશે તો એ આવીને અત્યારે મને પીસીઆર વાનમાંથી ફોન આવ્યો કે ભાંજીભાઈ આવું છે શું છે હકીકત ઓ સાહેબ હવાના પરમાં કામ અત્યારે કદાચ 10-11 વાગે હમણાં કામ ચાલુ થશે તો આ કેમ આવું એટલે એ માટે હું અહીં આવ્યો તો મેં જે આગેવાન હતા એમનો સંપર્ક ભાઈ આગેવાનો નાતે મેં તમારા સાથે વાત કરેલી છે તમારો પાણીનો પ્રશ્ન મને 48 કલાક પહેલા જાણ થઈ છે ને અત્યારે હું સોલ્વ કરવા માટે તૈયાર હો તો શેના માટે તમે આ બધા ભેગા કર્યા છે गुजरात के वडोदरा के SVIT वासत के छात्रों ने महाराष्ट्र में हुए फुटबॉल टूर्नामेंट में अलग अलग स्पर्धा में जीत हासिल की है। 18वें सीनियर और 13वें जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जिस टीम की सिलेक्शन की गई उसमें SVIT वासद कॉलेज के 3 छात्रों का नाम शामिल है। इस चैंपियनशिप में कश्यप पुलरा को मिक्स डबल्स में और रवि पटेल को व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। वहीं कीर्तन खासिया टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल रहे। इन सभी खिलाड़ियों को डॉक्टर विकास अग्रवाल द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए GTU टीम में भी कश्यप पोलरा का चयन हुआ है। हाल में 18वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप नागपुर महाराष्ट्र मुकामे थी थी एम मैं गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन तरफ थी पार्ट लीधो तो एम मारो सिल्वर मेडल आयेलो छे मिक्स डबल्स इवेंट में आना माटे हूँ मारी कॉलेज तथा फुटबॉल एसोसिएशन अने अमारा कॉलेजना कोच एवा विकास सरनो खूब खूब आभार मानु छू અને અમારા કોલેજમાંથી અમને બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ પ્રોવાઇડ કરવા માટે ભી હું અમારા ચેરમેન અને પ્રિન્સિપાલ સરનો ભી આભાર માનું છું। VNM TV પર વક્ત હે એક છોટે સે બ્રેક કા। બ્રેક કે બાદ જલ્દ હાજર હોંગે કુછ ઓર ખબરો કે સાથ બને રહીએ હમારે સાથ। Part of the RR Global conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath chale, saath badhe, saath badhe. देश को ले जाए नई दिशा की ओर आपका जॉय भारत का जॉय। Every new year, we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के राजकोट में भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला को लोकसभा का टिकट दिया है। वहीं NCP के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहां से टिकट मांगा है।
राजकोट बैठक से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा अब तक यहां कोई प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच पूर्व विधायक रहे एनसीपी के गुजरात अध्यक्ष चंदू वघासिया ने यहां से पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई है। प्रदेश प्रमुख साहेबे बनाया पवार साहेबे અને પેલું અમારું સંગઠનનું કામ હતું, પ્રદેશ કારોબારી રચવાના. અમે ભાઈ હરિકૃષ્ણભાઈને અમારે બોડીમાં, હરિકૃષ્ણભાઈ સાથે છે અમારી 60 જણાની બોડી, અમે પવાર સાહેબને આપી દીધી. અને પછી સંગઠનના કામ થયા પછી અમે રાજકોટ લોકસભાની પણ માગણી મૂકી દીધી છે. અને પવાર સાહેબ ઉપર અમને ખાતરી છે કે ભાઈ ખેડૂત નેતા, ગામડા સંકળાયેલા નેતા અને હર હંમેશ ગામડું ખેડૂત અને ખેતી એરિયા બધું સંકળાયેલા રહ્યા, તો અમને બધાને એવી લાગણી છે કે જો રાજકોટ અમને સીટ આપે. 2007માં ગોંડલ મને ધારાસભ્ય બનાવ્યો હતો, મને ટિકિટ આપી દીધી. તો આ વખતે એની પહેલાં હું 5માં ગોંડલ એપીસીનો ચેરમેન થયો હતો, પછી ધારાસભ્ય થયો. અને આ વખતે જો લોકસભાની ટિકિટ આપે તો હર હંમેશ હું લોકોએ જોડાયેલો માણસ છું, લોકોની સેવા કરવાનો માણસ છું. તો ટિકિટ આપે તો અમે લડી બતાવશું. અત્યારે પવાર સાહેબ અને રાહુલ બાબાજી જે નક્કી કરે, તો કદાચ અમને ટિકિટ ન આપે, બીજી પાર્ટીને આપશે, તો અમારે પણ એને મદદ કરવી પડશે, બરોબર. गुजरात के वडोदरा के करजन आईटीआई में सीएसआर अंतर्गत आईटीआई विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के करजन के सरकारी आईटीआई में स्वैच्छिक युवा संगठन फॉर मोटिवेशन वागो व्योम के सहयोग से इलेक्ट्रिकल लैब और थियोरी क्लास का उद्घाटन किया गया। व्योम द्वारा इस मौके पर आईटीआई के छात्रों को इलेक्ट्रिकल विद्युत क्षेत्र में अपडेट किया गया। इस मौके पर वागो कंपनी के एचआर हेड परमजीत नागपाल, व्योम की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉल्सी सिमोन और आईटीआई के छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। यहां पढ़ने वाले छात्र उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें, इस आशय के साथ उन्हें इलेक्ट्रिक लैब और थियोरी क्लास सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भाग रूप बनवा कर दिया गया है। जिसने हमें ये दूसरा अवसर दिया है आईटीआई कर्जन के साथ जुड़ने का। लास्ट ईयर भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी यहाँ पे सीएसआर के इनिशिएटिव के तहत, जहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब पे काम किया था और एक उनका कॉन्फ्रेंस रूम था जिसको अपने अपग्रेड किया था। बहुत खुशी होती है देख के कि उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा है, काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। ये देख के हमें और एक बार इस बार प्रोत्साहन मिला कि हम इस बार कोई नए इनिशिएटिव पर काम करें स्किल डेवलपमेंट के तहत ही। तो इस बार हमने इलेक्ट्रिकल रूम चुना और आपके पीछे है कि हमने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमारी तरफ से हमने दिए हैं उसका क्या यूज़ हो सकता है फॉर बेटरमेंट। जो मुझे समझ में आया है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स विल बी हेल्पफुल इन यू नो आइडेंटिफाइंग द स्किल गैप और स्टूडेंट्स को और अच्छा शिक्षा मिलेगी और अच्छा एडवांस टेक्निक्स पे सीखने को मिलेगा। ये हमारा सेकेंड ईयर है जहाँ पे आईटीआई को व्योम संस्था मदद रूप कर रही है। हम लोग ने लास्ट ईयर कंप्यूटर वाला ट्रेड एंड कंप्यूटर रूम्स को एक्विप किया था, ये टाइम हम लोग ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड लिया है आईटीआई में और बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, इसलिए हम लोग भी प्रोत्साहित हो गए कि वैगो को वापस हम लोग ये प्रपोज करें कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेड करें। वैगो एक स्टेप आगे भी जा चुके हैं कि उन्होंने यहाँ के बच्चों को अपने यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स के लिए ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आईटीआई में आज वागो कंपनी द्वारा हमने इलेक्ट्रिकल लैब थियरी वर्कशॉप और थियरी रूम डेवलप करवामां आव्या छे अने तेमणे जे आईटीआई में शीखवामां आवे छे अने जे इंडस्ट्री में छे ए बहु डिफरेंस छे, जेने स्किल गैप कहेवाय छे। ए स्किल गैप रिड्यूस करवा माटे एमणे अमने घणा एवा सारा एडवांस मशीन आप्या छे, जे अमारा आईटीआईना सिलेबस में नथी, पण छोकराओ आ एडवांस मशीन लईने बहु सारी रीते इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इंडस्ट्रीनी अंदर जे नवा मशीनो छे એનું સારું નોલેજ લઈ શકશે। એક બે મશીનની તમને વાત કરું, જેમ કે કોન્ટેક્ટલેસ ટેસ્ટર આવેલું છે, જે આપણે કોઈક વાયરની સપ્લાયને ટચ કરી આપણે અંદર પ્લગ નાખી નાખીને આપણે ચેક કરતા હોય કે સપ્લાય આવે છે કે નહીં, તો કોન્ટેક્ટલેસ ટેસ્ટર દ્વારા આપણે જમીન અંદર બી જો કોઈ વાયર જતો હોય તો આપણે गुजरात के वडोदरा के भाजपा में चल रही गहमा गहमी पर वाघोड़िया विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा नेता मधु श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया।
वडोदरा भाजपा में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या और केतन इनामदार की बगावत के बाद भाजपा से ही लगातार जीतते आए वाघोड़िया विधानसभा के पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए वाघोड़िया विधानसभा से उपचुनाव लड़ने तक की बात कही है। पहले वो कायम पूछता था, तो साथे चलता था। केतन इनामदार, योगेश पटेल, साथे चलता था। गुजरात अंदर अधिकारी राज कर रहा है, चूंटाये प्रतिनिधि फटावा करे विरोध अमे कर पर आज एमने राजीनामु आप मैंने खबर नहीं कस क्या काम माटे आप शाना आप खबर नहीं राजीनामु आप मैंने खबर नहीं राजीनामु आप तो डायरेक्ट जवु पड़े पहला कार्यकर्ता ने लेने जाऊँ पड़े कार्यकर्ता ने पूछू पड़े कि जारे कार्यकर्ता है तमने चूंटाईने मोकलेला हो तो कार्यकर्ता पाए थे भी अभिप्राय लेव पड़े पची राजीनामा एमने जे गमी करी हिंदुस्तान आजाद है एमने लगे कि भाई मारे आ करव बंधारण तो खरा भाजपा अन्न बंधारण है ये तो भाजपा जीम बोलते चूंटाया बंधारण जो बंधारण दूर करने प्रयत्न करता कार्यकर्ताओं तो हूँ ये कहवा माँगु छू कि भाई तमने खेस पेहराई दीदो तब खेस पेहरी तब चालो हूँ तो ये कहूँ छू कार्यकर्ताओं मित्रों ने वडोदरा शहर जिल्ला कार्यकर्ताओं ने कहूँ छू भाजपा हूँ तो ये कहूँ छू तमने लोगों ने कि कार्यकर्ता एक आंगली ऊँचू करके एक तलाटी बदली कराई आपूँ या एक पुलिस वाला बदली कराई आपूँ तो राजकारण छोड़ दो चैलेंज कार्यकर्ता कोई वेल्यू नहीं कार्यकर्ता जागव जो कार्यकर्ता पास गधेड़ा मजूरी करावानी अब बूथ पर जाओ आ करो ते करो एज करवा धंधा है बीजा कोई धंधा नहीं आज लगभग 10 वर्ष थी लोग ने मजूरी कराई कराई कराए कोई चांस मिलते नहीं वडोदरा संगठन ने विरोध करो छू आखा गुजरात आखा हिंदुस्तान में नहीं करते जरा बराबर गोर थी जोजो हाँ मैं जो जुड़ू नहीं राजीनामु मैंने मड़ो नहीं तो हूँ कई कह सकूँ। देश भर में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच ऑपरेशन लोटस अंतर्गत लगातार सभी राज्यों में कमल खिल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। मोदी जी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूँ। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किया। 14 साल JMM में रही। मेरे ससुर और दिवंगत पति की अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। उनका सपना राज्य के विकास का था, लेकिन ये अधूरा रह गया। आज झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है। इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। गुजरात के भावनगर के अलंग के मन्नार गांव में किसानों द्वारा टीपी स्कीम का विरोध किया जा रहा है। भावनगर के अलंग के 17 गांव में 2018 में अलंग सेवा सत्ता मंडल द्वारा टीपी स्कीम को मंजूरी दी गई थी, जिसकी वजह से 700 से ज्यादा किसानों की जमीन कट गई है, जिसके चलते टीपी योजना के विरोध में अलंग के मन्नार गांव में किसानों की एक आम बैठक हुई, जिसमें करीब 1500 किसान जुटे। अलंग के सिवा मन्नार, कठवा, त्रापज, महादेवपरा सहित के गांव में भी टीपी स्कीम को लागू किया गया था। ये सभी गांव बागवानी से जुड़े गांव हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर अलंग विस्तार विकास प्राधिकरण ने टीपी योजना के संबंध में अपना निर्णय नहीं बदला तो किसान निकट भविष्य में गांधीनगर तक मार्च करेंगे और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। गुजरात के वडोदरा के बाजवा में PSC सेंटर में मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान हैं, जिसके चलते बाजवा पंचायत के अध्यक्ष ने इन समस्याओं पर ध्यान आकर्षण कराया है। वडोदरा के बाजवा में PSC सेंटर है, जहां उपस्थित नोट के लिए दी गई पंचिंग मशीन काम न करने, सोनोग्राफी मशीन होने के बावजूद डॉक्टर्स और फार्मेसी की कमी होने की वजह से हजारों नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं शिकायत को लेकर बाजवा पंचायत समिति के अध्यक्ष हितेंद्र खंडवी ने डॉक्टर से मुलाकात की और जल्द से जल्द इन सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग की। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में दवाओं का स्टॉक न भरने जैसे कई सुविधाओं का अभाव है, लेकिन शायद जब तक किसी को नुकसान न पहुंचे तब तक जरूरी सुविधाएं देने की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और लोगों को सही इलाज मिले,
इस हेतु से बाजवा पंचायत न्याय समिति के अध्यक्ष हितेंद्र खंडवी ने कदम उठाया कि आ दवाखाना गायनेकोलॉजिस्ट नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बाली से गांधीनगर थी थाई छे जारे आ लोग ने उपलब्ध होय ने आ लोग पास खबर छे कि कई कई जगह खाली छे ज्या ज्या उपलब्धता होय त्यारे त्यारे मुकलता होय वनिता प्रमाणे कोई मोटी दवाखाना होय तो आमा पहला मुकले आखी नानी होय तो थोड़ी बार में मुकले पर मुकले जरूर तो अत्यारे नथी मोकल्यो तो एने कहू कि अत्यार उपलब्ध गांधीनगर में नहीं एने बहाली जिला कक्षाए थी नहीं थी सके मारा कक्षाए तो था नहीं गांधीनगर कक्षा थी थी सके गांधीनगर कक्षा थी थवा माटे आ सर्फ छे जे उपलब्ध होय तो आपे बाजवा नी अंदर सरकारी हॉस्पिटल आयेलू छे ए सरकारी हॉस्पिटल नी अंदर छेल्ला बे वर्ष थी सोनोग्राफी नु मशीन आयेलू छे ए बे वर्ष थी जे सोनोग्राफी नु मशीन आयेलू छे धूळ खाई रह्यु छे एनो कोई स्टाफ नथी જે એનો રૂમ મૂકવામાં આવેલો છે એ રૂમ પણ બંધ હોયેલો છે બાજવાની આમ પબ્લિકને જે કંઈ તકલીફ પડવી પડે છે એ આમ પબ્લિકને ઠીક બરોડા સયાજી હોસ્પિટલ જવું પડે છે કે આઉટસાઇડરના હોસ્પિટલોમાં જવું પડે છે તો ગવર્મેન્ટ જે સુવિધા બાજવા પંચાયત તરફથી કે બાજવા ગવર્મેન્ટ આપે છે તો પછી એની સુવિધાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ ને કેમ આજ સુધી બે વર્ષ સુધીથી એને કોઈ સ્ટાફ નથી આવતો કે નથી કોઈ એને એનું અનુકરણ થતું શા માટે નથી થતું આ ગવર્મેન્ટ પૈસા શાના માટે ખર્ચે છે लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज 19 मार्च को सुबह उन्होंने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। इसके बाद तमिलनाडु के सेलम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 17 मार्च की इंडी अलायंस की रैली का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंडिया वाले हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गए। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के एन लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम 63 सेकंड तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। यहाँ सेलम में मेरी बहुत आत्मीयता के एन लक्ष्मणन जी से भी थी। लक्ष्मणन जी ने यहां तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयंबटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। साथियों, अभी तो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन इंडिया अलायंस के प्लान मुंबई में
उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। यहां कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है, ओम शक्ति मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कर रहा कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे होता हो सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। दरअसल 17 मार्च को इंडिया की मुंबई में रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में मोदी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है, मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के इस बयान के बाद राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसके अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरीक्षण का कार्य और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने कलेक्ट्रेट परिसर के जिला संपर्क केंद्र में स्थापित एमसीएमसी सी विजिल केंद्र, वोटर हेल्पलाइन, निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में लगाए गए कर्मचारी को निर्देश किया कि निर्वाचन से संबंधित शिकायतों को शिकायत रजिस्टर में दर्ज करें, विजिल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें, एमसीएमसी निरीक्षण के दौरान सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें, साथ ही फेक न्यूज सामने आने पर संबंधित के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों से सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दलों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन संबंधी प्रक्रिया, चुनावी रैली व अन्य गतिविधियों को संचालित करें। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निर्वाचन से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायतें संबंधित ऑब्जर्वर से की जाएंगी। इस दौरान वहां उपजिला निर्वाचन अधिकारी पीएल शाह, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, उपजिलाधिकारी मनीष सिंह, लक्ष्मीराज चौहान, जितेंद्र सिंह, गोपाल सिंह चौहान, अजयवीर सिंह, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुरेश सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार तेज करती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी चेकिंग को बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों के पास जो लाइसेंसी हथियार है उन पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र थाने में जमा करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके लिए ज्वालापुर क्षेत्र में ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना प्रसारित कर तत्काल अपने लाइसेंसी शस्त्र थाने में जमा करने के लिए सूचित किया गया। दरअसल चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। हर बार चुनाव के दौरान पुलिस की ओर से आर्म्स लाइसेंस ले चुके लोगों को निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी को सूचित किया जाता है, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी शस्त्र धारक अपने अपने शस्त्र 2 दिवस के अंदर कोतवाली ज्वालापुर में जमा करवा दें। जिस शस्त्र धारक ने अपने शस्त्र गन हाउस में जमा करवाए हैं उसी की रिसीविंग पर्ची ज्वालापुर कोतवाली में दाखिल करें। जिस भी शस्त्र धारक के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उसके शस्त्र लाइसेंस की निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय को प्रेषित की जाएगी। गुजरात के अंबाजी में शराब की बिक्री करने वाली महिलाओं को पुलिस ने सब्जी का व्यवसाय शुरू करवाकर एक उम्दा मिसाल पेश की है। अंबाजी का दांता इलाका आदिवासी जनजाति वाला इलाका है। वहां रोजगारी नहीं होने से गांव के लोग और खासकर महिलाएं देसी शराब की बिक्री करने के लिए मजबूर थीं, जिससे गुजरात की प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी की गरिमा को ठेस पहुंच रही थी। ऐसे में अंबाजी पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल के भाग रूप महिलाओं को शराब बिक्री से दूर कर समाज में सम्मान भरा जीवन प्रदान करने के भाग रूप सब्जियों का व्यवसाय शुरू कराया गया है। ये महिलाएं भी शराब बिक्री छोड़कर खुशी खुशी सब्जियां बेचकर अपना और परिवार का गुजर बसर कर रही हैं। बीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे बीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए बीएनएम टीवी। नमस्कार।